नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बॉलीवुड में कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बड़े निर्देशक या एक्टर की नजर किसी नए कलाकार पर पड़े तो रातों रात वो स्टार बन जाता है। बॉलीवुड के भाई सलमान भी कुछ ऐसे ही हैं, उन्होंने कईयों को बुलंदियों तक पहुंचाया है। बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने इंडस्ट्री में कई लोगों का करियर बनवाने में मदद की है। ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और आज वो टॉप पर हैं। हालांकि आज हम उन एक्ट्रेसेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ की थी, लेकिन आज वो गुमनाम है और आज उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आज हम आपको उन्हीं अदाकारों के बारे में बताएंगे जो बला की खूबसूरत थी और अपनी अदाओं से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया था। बॉलीवुड के दबंग खान के साथ किया काम, आज हो चुकी हैं गुमनाम। वो अदाकारा जो बन गई थी रातों रात स्टार, आज पहचान पाना भी हुआ मुश्किल। लाखों दिलों पर राज करने वाली वो अदाकारा जो बॉलीवुड के स्टारडम से हो चुकी हैं बहुत दूर। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान के साथ काम करने की तमन्ना भला किसे नहीं होगी। हर कलाकार उनके साथ फिल्म में काम करने की इच्छा रखता है और सलमान ने कई लोगों को काम देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने सलमान के बलबूते वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बाद वो आज टॉप की हीरोइन बन गई हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो सलमान के साथ काम करके गुमनाम भी हो गए। आज हम आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सलमान के साथ काम किया लेकिन आज दर्शक उन्हें भुला चुके हैं और आज की पीढ़ी तो उन्हें जानती तक नहीं। पूजा डडवाल, साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म वीर गति में पूजा डडवाल ने सलमान खान के साथ काम किया था। इसके अलावा वो दो तीन और फिल्मों में नजर आई थी लेकिन उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान नहीं मिल पाई। बाद में पता चला कि पूजा की माली हालत बेहद खराब है जिसकी वजह से वो अपना इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। जब ये बात सलमान खान को पता चली तो वो मदद के लिए आगे आए। बीते दिनों भी जब पूजा की तबीयत बिगड़ी थी तब भी उन्होंने सलमान से मदद की गुहार लगाई थी। रंभा, सात भाषा में फिल्में करने वाली अभिनेत्री रंभा ने सलमान खान के साथ काम किया है। साल 1997 में जुड़वा और 1998 में फिल्म बंधन में दोनों की जोड़ी बनी। तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद रंभा ने टीवी की तरफ रुख किया। साल 2017 में वो एक टीवी रियलिटी शो में नजर आई थी। फिलहाल अब रंभा लाइमलाइट से कोसों दूर है। चांदनी, सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री चांदनी का असली नाम नवोदिता शर्मा है। कुछ फिल्में करने के बाद ही चांदनी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। उनकी आखिरी फिल्म हाहाकार थी जो 1996 में रिलीज हुई थी। चांदनी शादी के बाद विदेश चली गईं। बताया जाता है कि वो वहाँ एक डांस अकेडमी चलाती हैं और बच्चों को डांस सिखाती हैं। रेनु आर्य, फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सलमान के साथ रेनु आर्य नजर आई थी। इस फिल्म में फारूक शेख और रेखा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म से सलमान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। एक दो फिल्में करने के बाद रेनु ने काम करना छोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी किसी को रेनु की कोई खोज खबर नहीं है। कंचन, सनम बेवफा में सलमान खान के साथ चांदनी के अलावा कंचन भी नजर आई थी। कंचन ने हिंदी के अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया। अक्षय कुमार की अमानत और गोविंदा की कुली नंबर वन में भी कंचन नजर आई थी, लेकिन फिर अचानक कंचन ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये वो अदाकारा थी जिन्होंने सलमान जैसे हीरो के साथ बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शायद या तो ये बॉलीवुड को रास नहीं आई या बॉलीवुड इन्हें रास नहीं आया। एक दो फिल्में करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और आज ये बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर गुमनामी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।